बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पुलवामा हमले का भारत ने पाकिस्तान से 26 फरवरी 2019 के ही दिन करीब 3:30 बजे बदला लिया। गर्जना के साथ पीओके के अंदर घुसे भारतीय लड़ाकू विमानों के हमले से यह इलाका थरथरा उठा था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इससे ठीक 12 दिन पहले 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा में शहीद हुए भारत के 40 जवानों की शहादत का बदला 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने लिया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि 26 फरवरी के तड़के भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के एक समूह ने एलओसी पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप पर बमबारी की और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 26 फरवरी को भारत की ओर से बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक से ठीक 12 दिन पहले 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी मशहूर अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद से ही भारत में पाकिस्तान से बदला लेने की मांग तेज हो गई थी। भारतीय विदेश सचिव विजय गोयल ने तब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि पुख्ता खुफिया सूचना के बाद भारत ने जैसे के ठिकानों पर असैनिक कार्रवाई की। भारत का हमला करना जरूरी हो गया था। हमने बालाकोट में जैश के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया, जिसमें कई बड़े आतंकी सीनियर कमांडर और जिहादी मारे गए। वही समाचार एजेंसी ANI ने भारतीय वायुसेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि 26 फरवरी को तड़के भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के एक समूह ने एलओसी पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप बमबारी की और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वायुसेना के विमान ने आतंकी कैंप पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए थे। पाकिस्तान के F-19 विमान ने भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 को जवाबी कार्रवाई देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय फॉर्मेशन के आधार के कारण वह ऐसा नहीं कर पाए।